पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात के 91वें एपिसोड को संबोधित, कॉमनवेल्थ गेम्स समेत कई मुद्दों पर कर सकते हैं चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह का आज पटना दौरा, बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक का करेंगे समापन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की युवाओं से अपील, कहा देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझे, संविधान का ज्ञान भी जरूरी। देश में मंकी पॉक्स से संक्रमित पहला मरीज स्वस्थ हुआ, अस्पताल से मिली छुट्टी। वेट लिफ्टर बिंदिया रानी ने जीता सिल्वर, पीएम मोदी बोले आपकी मेहनत का फल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। अलीगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व मंत्री अनूप वाल्मीकि की अध्यक्षता में पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में जनसभा और जनपद के विकास कार्यों को लेकर बात हुई, जिसमें निर्माणाधीन विकास कार्यों को जल्द पूरा करने और अन्य विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करने को लेकर चर्चा भी हुई है। दिशा निर्देशन में प्रत्येक जो है उत्तर प्रदेश के जनपद में इस तरह की बैठक का आयोजन प्रत्येक महीने किया जाता है, उसी के क्रम में आज सब हम जनपद अलीगढ़ के जनप्रतिनिधि और जिलाधिकारी और अपने कप्तान साहब उसी क्रम में और सभी अधिकारी ना हम सब बैठे, समस्या से जो जुड़े जो बिंदु हैं, जनमानस की समस्या से जुड़े हुए बिंदु, सड़क बिजली पानी जो भी प्रमुख समस्याएं थी कर भी रहे और कुछ चीज़ें जो छूट जाती उनके विषय में जो है विषय रखा, उसी को लेकर के जो है बैठक थी। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल के प्रकरण की जांच कराई जानी है, जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनूप भूपेन्द्र सिंह और उनके अवगत कराया गया कि कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय के जल भराव होने से विद्यालय के शिक्षक नरेंद्र प्रसाद तिवारी ने खंड के शिक्षा अधिकारी सणवा चंद्रिका का निर्देश जारी किया है। विद्यालय में सुचारू रूप से परीक्षण कार्य चल रहा है, इसके अलावा जल भराव की समस्याओं के समाधान के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से उचित कार्रवाई भी की जा रही है। कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय अंतु देहात का जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छोटे बच्चे पानी में कूद रहे हैं, वो विद्यालय सन 2000 में बना हुआ है, उसके सामने 3 फीट ऊंची सड़क है और लगभग 3 फीट की ऊंचाई में डिग्री कॉलेज तीन तरफ से बना हुआ है, जिसकी वजह से विद्यालय गहराई में होने के कारण वहाँ पर जल भराव हो रहा है और जल निकासी का कोई रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में वहाँ पे ये वीडियो वायरल हो रहा है कि वहाँ के शिक्षक कार्य प्रभावित है, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ के शिक्षक के द्वारा 27 जून को ही, क्योंकि उसमें इस तरह की समस्या आ सकती है, जल भराव हो सकता है, क्योंकि बाकी अगल बगल के का एरिया ऊपर होने से ये समस्या आ सकती है, तो शिक्षक ने बीओ से अनुमति लेके वहाँ के बच्चों का शिक्षण कार्य पड़ोस के लगभग 500 मीटर दूर विद्यालय। गाजीपुर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के साथ आगामी विकास की योजनाओं को लेकर विकास भवन में बैठक हुई, जिसमें सांसद अफजल अंसारी, वीरेंद्र सिंह मस्त के साथ ही जनपद के सभी विधायकगण, ब्लॉक प्रमुख, जनपद स्तरीय अधिकारी शामिल रहे। इसमें दौरे के विकास के कई मामलों पर खुलकर चर्चा हुई और आने वाले समय में किसी विकास होना है इसकी रणनीति भी बनाई गई। वहीं बैठक के खत्म होने के बाद सांसद अफजल अंसारी ने पूरी वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फिर योगी मॉडल का नाम लिए बगैर उत्तर प्रदेश की सरकार पर तंज कसा। गुजरात मॉडल कितना सफल है या कोई दूसरा मॉडल कितना सफल है, जिससे पब्लिक को राहत मिलती है, जिससे पब्लिक का हित होता है, रोजी रोटी की समस्या हल होती है, जो बढ़ी हुई बेरोजगारी है, महंगाई है, हमारे नौजवानों का जो भविष्य, आगे जो पढ़ लिख के बैठे हुए हैं उनको नौकरी कैसे मिलेगी, वो कैसे रोजगार, कितने हैं जो ओवर एज हो गए, माँ बाप ने जीवन की सारी कमाई लगा दी कि हम पढ़ा लेंगे अपना, एक बेटा भी अगर हमारा कहीं नौकरी पा जाएगा तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा, लेकिन इस दिशा में निराशा है नौजवानों में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छेड़छाड़ से तंग आकर जेएन मेडिकल कॉलेज की छात्राओं ने प्रदर्शन किया।
बीसी लॉज के सामने छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं। बताया जा रहा है कि 2 महीने से छात्राओं के साथ कैंपस में 25 से ज़्यादा छेड़खानियों की घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं प्रदर्शन करने वाली छात्राओं का कहना है कि डिमांड पूरी ना होने तक प्रदर्शन होगा। ये पूरा मामला सिल्वर लाइन्स थाना के इलाके का है और पूरे इलाके में भारी तादाद में AMU सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। हम लोग मेडिकल हॉस्टल की लड़कियाँ हैं, बेगम अजीज़ुन्निसा ब्लॉक 1। हमारे साथ हम लोग मैम यहाँ पे शिफ्ट हुए थी मई के महीने में और 2-3 महीने हो चुके हैं। हमारे साथ पिछले 3 महीने में बहुत सारे मतलब कम से कम 20-30 केस मोलेस्टेशन के, हरासमेंट के, स्नैचिंग के रिपोर्ट हो चुके हैं, जो कि सुबह में, शाम में, दिन में, रात में, हर वक्त होता है, जो कि 15 साल का बच्चा से लेकर 40 साल का आदमी भी करता है। कॉलोनी में हमारे यहाँ बना हुआ है, नया हॉल बना था 1500 बेड का, तो एक्सक्लूसिवली इसको मेडिकल के लिए हम लोगों ने ईयरमार्क कर दिया था। लिहाजा ये आज डिमांड ये लोग लेके आए हैं कि वहाँ पे इनको सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं और पैदल चल के इनको लंबा आना पड़ता है, तो वहाँ पे कुछ इनको कुछ लोगों ने 2 मरतबा परेशान किया। तो अब इनकी डिमांड ये है कि वो पीछे से दरवाज़ा उसका जो रोड दोहरा की तरफ जाती है हदीसन के अपोजिट। जैन मेडिकल कॉलेज की छात्राओं ने प्रदर्शन जारी रखा है। BSA लॉन्च के सामने छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं। बताया जा रहा है कि 2 महीने से छात्राओं के साथ कैंपस में 25 से ज़्यादा छेड़खानी के मामले आ चुके हैं, जिसमें वहां के प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं करी है। ये प्रदर्शन जारी है, पूरे इलाके में भारी तादाद में AMU पुलिस सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इस पर JN मेडिकल कॉलेज की ये शर्मनाक वारदात है जिसमें छात्राओं के साथ अभद्रता की गई है। इस खबर पर हमारे साथ अलीगढ़ से मौजूद हैं नितेश। नितेश, JN मेडिकल कॉलेज में छात्राओं के साथ जो प्रदर्शन बराबर छात्राएं कर रही हैं, इसमें छेड़खानी का मामला है, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अब तक एक्शन इस पर क्यों नहीं लिया है? मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है। मैं लगातार कुछ दिनों से, बीते दिनों से लगातार छेड़खानी का मामला सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि 25-30 बार ऐसी घटना हो चुकी है और लगातार इस पे शिकायत भी करी जा रही है, लेकिन ऐसा छात्रों द्वारा बताया जा रहा है कि कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इस को लेकर छात्रों ने उग्र होकर प्रदर्शन किया है और लगातार वहाँ की सिक्योरिटी पे सिक्योरिटी बढ़ाई जाए और हमारी सेफ्टी के लिए ये कार्य किया जाए, इस तरीके की बात कही जा रही है छात्रों द्वारा। नितेश, ये छात्राओं की मांगे क्या है इस पे? छात्रों की मांगे है कि जो लगातार हमारे संग जो घटनाएं हो रही है, छात्रों के साथ छेड़खानी का मामला, छेड़खानी का मामला जो आ रहा है, इसके उस पर रोक लगाई जाए और इस तरीके की घटना ना हो, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ाई जाए और हम लोगों की सेफ्टी के लिए उससे उस तरह की कार्रवाई करी जाए। जी मित्र, इस खबर में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अलीगढ़ के लाला ब्रज किशोर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2022 के मेगावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में SDM इलगास भावना मौजूद रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर नीरपति देव भारद्वाज ने की। हाई स्कूल की इंटरमीडिएट के स्कूल के छात्र छात्राओं ने टॉप पोजिशन पर आकर परचम लहराया, जिसमें स्कूल में सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अन्य विद्यालयों से आए मेगावी छात्र छात्राओं को भी स्कूल प्रबंधन हरिमोहन अग्रवाल की तरफ से प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। स्कूल के द्वारा जो है 10th और 12th के सीनियर सपोर्ट के बच्चों को जो है फेलिसिटेट किया गया है, उनको जो है सेरेमनी, उनको जो है अवार्ड दिया गया है और उनको मोटिवेट किया गया है आगे बढ़ने के लिए कि अपना जो भी गोल है उसमें फोकस करके उसको अचीव करें, हार्डवर्क करें। उनके लिए यही मैसेज है कि आप जो है जो भी आपका गोल है उसकी तरफ आप अग्रसित रहें और कोई भी जो भी आप अपना चुन रहे हैं, जितना बड़ा आपका होगा उतना बड़ा ही आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, तो सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहें और हार्डवर्क जो है उसको करते रहें, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाते रहें, डिटरमाइंड रहें और डिसिप्लिन रहें। हम मुस्लिम विद्यालय का आज कार्यक्रम सभी जिला क्षेत्र में जिन बच्चों ने 80% से अबव 10th और 12th CBSE में अच्छा प्रदर्शन किया है, उनका उत्साहवर्धन के लिए, उनकी काउंसलिंग के लिए, ताकि वो अपने आगे का जो मार्ग है उसको निश्चित कर पाए, अपना टारगेट फिक्स कर पाए, SDM मैडम का बड़ा अच्छा उत्साहवर्धन उसमें रहा और बच्चों को गाइडेंस देने का, पेरेंट्स भी आमंत्रित किए गए और इसमें सभी विद्यालय के आए हैं, प्रकाश कॉन्वेंट, यूनिवर्सल, इग्रास, रिया और सभी से बच्चे यहाँ पर आए हैं और अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र में लोन कराने का झांसा देकर युवक ने कई महिलाओं को ठगा। युवक ने कई महिलाओं से 2,50,000 रुपए के ठगे हैं। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि आरोपी युवक ने महिलाओं से पैसा की ठगी की है। वहीं पूरे मामले को लेकर पीड़ित महिलाएं एसएसपी कार्यालय पहुंची और शिकायती पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। ये एक शख्स आए थे हमारे पास बैंक के, हम कह के हम बैंक से आए हुए हैं लोन करेंगे, फिर उन्होंने कुछ दिन बाद फॉर्म भर के हमसे पैसे लिए कि आपके फॉर्म भरने आया, मुझे पैसे दे दो। कितने रुपए लिए? मुझसे 6,700 रुपए लिए थे और मैंने अपनी तोड़ियाँ बेच के जब उनको पैसे दिए तो अब उन्होंने जो है ना ही तो लोन पास की और फोन करते हैं तो फोन भी नहीं उठाते। तो कितनी महिलाएं हैं आप जो जिनके साथ फ्रॉड किया है? जी हमारे गली की ऐसी लगभग 20-25 औरतें हैं जिनसे पैसे लेके गए। सबसे पैसे लिए हैं जी? उन्होंने बैंक का बताया था हमें 2,000, किसी पे तो 5,000। हाँ मैं तो अपनी तोड़ियाँ बेच के पैसे दिए थे, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने लोन में पैसे दिए। औरैया के अजीत मल कोतवाली क्षेत्र के अटोमा सिरकोड़ी रोड के स्कूल के बच्चों से भरी वैन बिजली की पोल से टकरा गई जिसमें 3 बच्चे घायल हो गए। वहीं पूरी घटना की जानकारी जैसे ही परिवहन विभाग को हुई तो कुछ ही देर में परिवहन विभाग के पीटीओ रिहान वानो की घटनास्थल पर पहुंच गई और जांच कराने से पता चला कि वैन अवैध है। स्कूल के नाम गाड़ी होती है, वैध वही है और पिछले कुछ समय से हम लोग इसकी सूचना भी स्कूल प्रबंधक और उनसे मांग रहे हैं कि जो उनके यहाँ गाड़ियाँ इस तरह से आ रही हैं उनकी सूची हम लोग को उपलब्ध करवा दें और उनके बीच में अभी तक 26वां संशोधन हुआ था नियमावली में स्कूल वैन के लिए स्पेशली, तो उसमें ये प्रोविज़न था कि उन गाड़ियों को परमिट इशू करवा दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हम लोग के पास सूचना पूरी नहीं प्राप्त हो सकी, इस वजह से वो कार्रवाई भी अभी लंबित है। जो जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ यहाँ पता चला है वो तो गलत है बिल्कुल भी, और उसमें बच्चे भी हो गए लोग पता चल रहे थे, तो अब हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अभी इस पर फोकस करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुहर्रम को लेकर गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। गाजियाबाद में कई इलाकों में प्रशासन और पुलिस द्वारा पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई और उन्हें शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी निर्देश दिए गए। घोड़ा थाना क्षेत्र के सभी धर्मगुरुओं को त्यौहार के मद्देनजर रखते हुए निर्देश दिए गए। इसी के साथ पुलिस संवेदनशील इलाकों पर नज़र भी रखे हुए हैं। जो भी मुहर्रम को संपन्न कराने के लिए जो भी ताजियादारान कमेटी थी उनके लोगों को बुलाया गया और उनके रूट के बारे में जाना गया और कितनी संख्या में ताजिया होगी, ताजिये की हाइट जो शासन दौरान मान्य है उसके हिसाब से इन्हें अवगत कराया गया ताकि बेहतर तरीके से प्रशासन पुलिस और जनता के समन्वय से मुहर्रम को सकुशल संपन्न कराया जा सके। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने हमला कर 15 बेजुबान भेड़ों की गर्दन काट के मौत के घाट उतार दिया। वहीं एक दर्जन भेड़ गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सक अधिकारी ने घायल भेड़ों का इलाज किया। बताया जा रहा है कि बदमाश उठवारा निवासी सतीश के फार्म हाउस में घुस गए थे और भेड़ों पर हमला कर दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस जाँच में जुटी हुई है। रात के 12 बजे चोरों ने हमला किया और न जाने चक कूते छुरी तेज इनके कैसी भेड़ कोई 30 भेड़ काट दी है, मालूम ना है कोई किधर से आया किधर से नहीं आया। हम सो रहे थे बाबे का दोनों हमें जो ना है पतो काकन काटी है काकन ना काटी है। करीब 15 भेड़ों की मृत्यु हो गई वहाँ पे गाँव द्वारा में। हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई, हमारी टीम गई वहाँ पे, उनका पोस्टमार्टम किया गया। कुछ भेड़े घायल हैं जिनका हमारी टीम द्वारा उपचार किया गया और अभी भी उपचार चल रहा है, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तैयार हो गई है। उसमें ये क्लियर हो रहा है कि किसी अज्ञात हथियार से या स्टाइप से किसी नुकीले चीज से उन पर प्रहार किया गया, उससे कई लोगों में ये चीज क्लियर हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।